अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेफ़ीज़ हॉट पार्सल्स। आज मैं आपसे मिल रही हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज के साथ, और आप इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मैंने स्टोव के ऊपर अपना डीप फ्रायर सेट कर लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक नेट लगा हुआ है जिसमें हम अपने फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। मैंने 3 आलुओं के फ्रेंच कट फ्राइज़ काट लिए हैं और पानी में भिगो दिया है। पानी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है और अब मैं इसमें हाथ से हसबे ज़रूरत नमक लगा लूँगी, और अच्छी तरह से फिर हम इसको नमक में फ़ोल्ड कर लेंगे जैसे मैं इनको हाथ से फ़ोल्ड कर रही हूँ, ताकि सारे चिप्स पे इक्वली नमक स्प्रेड हो जाए। अब हम फ्राइज़ को अपने फ्रायर में या कढ़ाही जो भी अवेलेबल हो उसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें से फ्राइज़ निकाल रही हूँ और मैं थोड़ा सा इसको हिला के चेक कर लूँगी। मेरे फ्राइज़ डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब मैं एक साफ़ फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून्स आप समझ लें कि मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है अब इसमें मैं 1 पाव के करीब चिकन ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ। चिकन डाल के अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे ताकि ये जो इसका पिंक कलर है ये वाइट हो जाए, और उसके बाद चिकन अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसको चिकन को भून लेंगे अच्छी तरह से, और भूनते हुए ही मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। अब मैं बोनलेस चिकन में ये चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3/4 to 1 टीस्पून। ये सॉल्ट अब इसमें जाएगा हसबे ज़ायका, और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे ताकि फ्लेवर को इन्हेंस कर दे वो। अब चिकन को गलाने के लिए मैं इस पर ढक्कन लगा दूँगी और 2 मिनट तकरीबन इसको दम दे दूँगी। अब हम उसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था उसमें हम अपनी वेजिटेबल्स, जिसमें मेरे पास अनियंस है कटे हुए चाइनीज़ स्टाइल, और कैप्सिकम है। ये दोनों हम तकरीबन 1 बड़े साइज़ का कैप्सिकम और 1 बड़े साइज़ का अनियन मैंने ले लिया। अब इन दोनों को मैं उसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। वेजिटेबल्स को फ्राई करके मैंने साइड पर रख लिया, और एक सर्विंग डिश के अंदर मैंने अपने फ्राइज़ को फैला लिया है, और अब इनके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। और ये पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद मैं इस पर मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। अब इस सॉस के ऊपर मैं चेडर चीज़ का एक स्लाइस फैला दूँगी। अब इस स्लाइस के ऊपर तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने ओरिगानो जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है, ये इन्हेंस करेगा इसके फ्लेवर को। अपने पिज़्ज़ा फ्राइज़ में हम दोनों ऑलिव्स यूज़ करेंगे, ग्रीन और ब्लैक। अभी मैं ग्रीन ऑलिव्स के रिंग्स इस पर फैला रही हूँ। अब अपने इन रिंग्स के ऊपर मैं चिकन की एक लेयर फैला लूँगी। चिकन जो पका के हमने रखा हुआ था इसको हम एक लेयर की फॉर्म में अपने फ्राइज़ के ऊपर अपने सारे बाकी इन्ग्रीडियंट्स पर फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर अनियन और कैप्सिकम जो हमने इकट्ठा फ्राई करके रखा था अब उसकी लेयर लगा देंगे और उनको हाथों से फैला लेंगे। अब मैंने जो श्रेडेड मोज़रेला चीज़ अपने पास रखा हुआ है मैं उसकी एक लेयर इसके ऊपर लगाऊंगी और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दूंगी। अब इसको और चीज़ी करने के लिए मैं एक और चेडर चीज़ का स्लाइस इस पर रख दूंगी। अब हम फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हैलापेनियोस की एक लेयर इसके ऊपर देंगे, जिसका बड़ा यूनिक और डिफरेंट फ्लेवर होगा। अब हम इस पर ब्लैक ऑलिव्स की एक लेयर ऐड कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा चिकन इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। अब चूँकि हम ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रहे हैं और पिज़्ज़ा में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है चीज़ का, तो मैं इस पर दोबारा थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ फिर से श्रेडेड जो मेरे पास पड़ा हुआ है इसे स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा चीज़ी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। हम तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव ओवन में रख के पका लेंगे।